सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज 10 जनवरी है, विश्व हिंदी दिवस, जो कि बेहद खास दिन है हिंदी प्रेमियों के लिए, जो देश और दुनिया के अलग अलग कोने में बसे हैं। और इसी हिंदी प्रेम को कुछ हिंदी प्रेमियों के साथ आज आप देख रहे हैं हिंदी मेरा प्यार के इस मंच पे। हमारे साथ जुड़े हैं अमेरिका से सेजल गाला अनूप भार्गव जी और सिंगापुर से गौरव मिश्रा। सेजल की अगर बात करूं तो मूल रूप से गुजरात की है, बिहार में पली बड़ी है, अंग्रेजी में काम करती हैं, लेकिन हिंदी की कविताएं बहुत खूबसूरती से लिख जाती हैं। सोशल मीडिया पे मैंने इनकी काफी सारी कविताएं पढ़ी हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं। जानेंगे इनके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अनूप भार्गव जी से। अनूप जी का काम हिंदी के क्षेत्र में बहुत विस्तारित काम है। आप कवि हृदय हैं, लेकिन व्यवसाय से कंप्यूटर सलाहकार रहे हैं। 2007 में न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और 93 में ई चिंतन समूह की आपने स्थापना की है। कविता कोश में भी आपका जुड़ाव रहा है, और 2015 में भोपाल में संपन्न हुए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही, और वहां पर प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। तो ये सारे अनुभव हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो ये कार्यक्रम हुए हैं, किस तरह से आपने अपनी भागीदारी निभाई है। और मेरे साथ हैं संदीप कौशिक, जो हिंदी मेरा प्यार पर सह संस्थापक है मेरे साथ। तो संदीप, नमस्कार और स्वागत है आप सबका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर। और हमारे साथ जुड़े हैं गौरव मिश्रा सिंगापुर से। गौरव से मेरा जो परिचय है बहुत पुराना है, मेरे शिष्य रहे हैं। जब शुरू शुरू में मैं कंप्यूटर्स पढ़ाता था तो मेरठ में, गौरव मेरठ से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे उनका मेरे साथ साथ जुड़ा। और एक जो गुरु शिष्य का अच्छा रिलेशनशिप होता है हमारा, तब से लेकर आज तक हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमेशा बातें करते रहते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि एक भारत के एक छोटे शहर से निकल के बाहर गए, अपने आप अपने दम पर और अपना स्थान स्थापित किया। अच्छी आईटी कंपनी में वो काम करते हैं, अच्छे लेवल पे हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत प्यार करते हैं, और उनका जो रुझान है भारत की तरफ और हिंदी भाषा की तरफ, उसी कारण हमने सोचा कि गौरव को हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हमें हिंदी के बारे में वार्तालाप होती ही है। तो आपका स्वागत है गौरव, और हम बात करेंगे आपके बारे में, आपके हिंदी के प्यार के बारे में। तो अंशु जी, और इस कार्यक्रम का शीर्षक हमने दिया है, बात निकली है तो फिर दूर तक जाएंगी। जब हिंदी प्रेम की बात चलती है, हिंदी कविताओं की बात चलती है, रचनाओं की बात चलती है, तो दिल से दिल तक पहुंचती है, और ये बहुत दूर तलक पहुंचती है, देश दुनिया के कोने कोने तक। तो सबसे पहले अनूप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपका हिंदी प्रेम है, राजस्थान से निकलकर आपका जो सफर रहा न्यूयॉर्क तक का रहा, वहीं आप अभी रह रहे हैं, तो किस तरह से आप हिंदी प्रेम को अपने साथ लेकर जीते हैं, और जो इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं विश्व स्तर पर, उनमें आपकी भागीदारी रहती है, तो उन अनुभवों को हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद अंशु जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया इस मंच पे आने के लिए। हिंदी के प्रेम की बात मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आपने कहा, राजस्थान में मेरा जन्म हुआ, हिंदी मेरे चारों तरफ थी और हिंदी से मुझे बचपन से लगाव रहा। उसके बाद जो भी कारण रहे, लेकिन जो पढ़ाई थी मैंने वो विधिवत, मैं जाना चाहता था हिंदी साहित्य में, हिंदी के प्रति मेरा बहुत प्रेम था, लेकिन कुछ व्यावहारिक कारणों से मैं कहूँगा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच गया। बिट्स पिलानी से मैंने अपनी पढ़ाई की, लेकिन जो मेरा हिंदी के प्रति प्रेम था वो इंजीनियरिंग में पहुँचने के बाद भी बना रहा। और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम किए, हिंदी से जुड़े हुए हिंदी के कवि सम्मेलन किए, और हिंदी के मैंने पत्रिका का वहाँ पे संपादन किया पिलानी में। तो हिंदी के प्रति जो प्रेम था वो इंजीनियरिंग में जाने के बाद भी मेरा बना रहा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग करने के बाद ही मेरा यहाँ पे अमेरिका में आना हुआ,
80 के दशक में, तो बहुत काफी समय हो गया है यहाँ पे अब। लेकिन वो जो प्रेम था वो तकनीकी में आने के बाद भी मेरा बना रहा, और उसी ने मेरा जो भी मेरे प्रयास रहे अमेरिका में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, वो इसी का कारण रहे। यहाँ पे मैं एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब मुझसे कहा जाता है कि आपने हिंदी की बहुत सेवा की है, तो मुझे इस शब्द से थोड़ी सी आपत्ति होती है, क्योंकि मैं इसे सेवा नहीं मानता, ये मेरा प्रेम है। तो जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उसमें आनंद आ रहा है। तो सेवा जो शब्द है वो हम हिंदी तो हम सबसे बहुत बहुत बड़ी है, हिंदी तो हमारी हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, हिंदी हमें समृद्ध करती है। तो हिंदी की सेवा के बजाय अगर हम उसको इस भावना से देखें कि हिंदी हमारा प्यार है, जो कि आपके जो इस मंच का जो आपका जो टैगलाइन है मुझे बहुत अच्छी लगी कि हिंदी मेरा प्यार। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं अगर हम उसको आनंद की भावना से करेंगे, तो हिंदी का जो सेवा की जो बात की जाती है वो अपने आप हो जाएगी। हमें उसको सेवा भावना से नहीं करना चाहिए, इस उससे करना चाहिए कि हमें इसमें आनंद आ रहा है, और जो हिंदी का जो भला होगा वो उसका एक तरह से बाय प्रोडक्ट होगा। तो इतना ही अभी मैं कहना चाहूंगा, बाद में फिर हम लोग और बात करेंगे। बिल्कुल, इस मंच का जो हमने नाम दिया है हिंदी मेरा प्यार, ये इसके पीछे यही भावना रही कि सहजता से और बहुत सरलता से जो हो सकेगा वो हम करेंगे, कोई बंदिशें नहीं है, जिस तरह से प्रेम में कोई बंदिश नहीं होती, जितना हो जाए उतना ठीक है, बस वही हम अपनी भाषा को लेकर भी करना चाहते थे। तो ये जो पैंडेमिक का टाइम रहा, लॉकडाउन का टाइम रहा, उस दौरान हमने इस पेज की शुरुआत करी और बहुत ही अच्छे लोग इससे धीरे धीरे जुड़ते गए। इनफैक्ट सितंबर में हमने 15 दिन का एक पखवाड़े का आयोजन किया था इस पेज पे, और 15 दिन तक लगातार हमने हिंदी प्रेम की बात की, उसमें काफी लोग जुड़े। तो सेजल, आपसे जानना चाहूंगी, आप बाहर रह रही हैं और आपका जो काम करने का जो पूरा क्षेत्र है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, वहां पर सब अंग्रेज लोग बात करते हैं और आपको शायद हिंदी बोलने में भी महीनों गुजर जाते हैं जब आपके सामने कोई हिंदी बोलने वाला इंसान नहीं होता है। ऐसे में कितना हिंदी को आप मिस करती हैं? धन्यवाद मुझे इस मंच पर लाने के लिए। और मैं, आपने बिल्कुल सही कहा अंशु जी, क्योंकि मैं बड़ी हुई भारत में ही, और वैसे तो गुजराती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी सारी फैमिली वो बिहार में सेटल थी। फिर 10वीं कक्षा में मैं मैट्रिक के एग्जाम लेकर यूएस आ गई, और यहाँ आने के बाद लगा कि ज़्यादा तो हिंदी भाषी लोग मेरे इर्द गिर्द नहीं थे, लेकिन गुजराती बोलने वाले काफ़ी थे। तो गुजराती चलती रही घर में, माँ बाप और फैमिली थी तो उनके साथ, लेकिन हिंदी का जो माध्यम था वो बिहार में रह के जो थोड़ा पक्का हुआ था मेरा बचपन में, वो कभी छूटा नहीं। और एक मुझे मैंने कि पढ़ने की बहुत इच्छा थी हमेशा, किताबों से प्रेम रहा है पहले से, और थोड़ी सी किताबें पापा ने ला के दी थी, तो कहीं भी किसी के यहाँ अगर मैं जाती थी और हिंदी किताबें मिल जाती थी तो मैं रख लेती थी, और फिर उनको मैं बार बार वही किताबें पढ़ा करती थी, क्योंकि यहाँ इजिली जल्दी से मिलती नहीं थी। और उसके बाद शादी करने के बाद जब मैं वर्जीनिया में आई, तो हमारी इंडियन कम्युनिटी एकदम छोटी थी यहाँ पर, और हिंदी भाषी बहुत कम लोग थे, कम से कम ज्यादातर लोगों को मैं नहीं जानती थी। तो धीरे धीरे वो हिंदी की से लोगों के साथ हिंदी में वार्तालाप करना वो छूटता 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 चला गया, और 20-25-26 साल हो गए हैं अब, और ऐसा लगता है कि कब कोई मिले जिससे मैं हिंदी में बातें कर सकूं, और बहुत अच्छा सा लगता है, ऐसे लगता है कि वापस जैसे कि किसी माने के राह चलते भी किसी से मिल गए, और अगर हिंदी कान में पड़ जाती है तो यूं ऐसे हो जाता है कि यू नो कौन है, कौन बोल रहा है ये भाषा, इसको मैं जानती हूँ। अचानक से ऐसा लगता है आत्मीयता पैदा हो जाती है उन लोगों के साथ, सिर्फ क्योंकि भाषा
का कॉमन भाषा कॉमन है हमारी, तो तुरंत ही मैंने के जो कहते हैं दीवारें होती हैं कि आप किसी से मिलते हो, पहली बार मिलते हो, लेकिन भाषा के कारण वो दीवारें गिर जाती हैं और आप अच्छे से या तो लोगों से दोस्ती कर सकते हो या बातें कर सकते हो। तो हिंदी में वार्तालाप बहुत कम होता है मेरा सचमुच। तो जब जब मैंने इस पेज को देखा हिंदी मेरा प्यार, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर हिंदी से मुझे प्यार नहीं होता तो कब की छूट चुकी होती पहले से। तो सचमुच मैं इसे बहुत मिस करती हूँ। बिल्कुल, हिंदी एकदम माँ की तरह है और हिंदी जो भाषा है वो हमें जोड़ के रखती है। अगर कहीं जैसा आपने बोला कि सड़क चलते भी अगर हिंदी कानों में पड़ जाती है तो लगता है कि कोई अपना है। जी, यही बस प्रेम की भाषा है ऐसा लगता है। और हमारे साथ गौरव भी है सिंगापुर से, आप हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आपका जो हिंदी प्रेम है, आपका जो आसपास का वातावरण है, वो आपको कैसे हिंदी से जोड़ के रखता है? आप म्यूटेड है गौरव, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मुझको एक इस हिंदी के वार्तालाप में इनवाइट करने के लिए। हम लोगों का सबसे बड़ा फायदा यह है सिंगापुर में कि हमारे यहाँ सिंगापुर में दो हिंदी सोसाइटीज हैं। सो जो हमारे बच्चे हैं वो उनकी जो सिंगापुर के अंदर सेकेंडरी मदर टंग यू कैन टेक हिंदी, तो आप उसमें हिंदी ले सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी तक हिंदी उनको पढ़ना अनिवार्य है। एक तरह से ये अच्छा भी है और एक तरह से वो लोग भी पूछते हैं कि भाई हिंदी का हम आगे क्या करेंगे, तो उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़े रहते हैं। उनको हिंदी पढ़ानी हो, उनके उनके लिए कुछ कहानियां ढूंढनी हो, उनके लिए कुछ किताबें ढूंढनी हो, तो हम हिंदी से जुड़े रहते हैं। मैं सेजल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। कभी कभी काफी साल पहले मैं एक्चुअली दुबई के एयरपोर्ट पे था, एक बार यूके के एयरपोर्ट पे था, तो खड़ा हुआ था मैं लाइन में, ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा कि कोई हिंदी में बात कर रहा, तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों की निगाह में चली जाती है पूछने के लिए कि भाई एवरीथिंग इज फाइन, आपको कुछ चाहिए, कैसे करें। तो हिंदी कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी के लोगों को जोड़े हुए है। धीरे धीरे हिंदी की तरफ से लोगों का रुझान हट रहा है और इसमें से जो मैं मेनली वो कहूंगा मैं टीवी को, क्योंकि जो हिंदी आजकल हमारे टेलीविजन पर बोली जाती है, जो हिंदी जनरल भाषा में बोली जाती है, वो हिंदी नहीं है जो हमने अपने समय में पढ़ी थी। तो वो हिंदी का जो चेंज हो रहा है और जो हिंदी हमारी अभी जिस तरफ जा रही है उसके लिए हाँ हम सबको मिलकर काम करना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे मंच एक तरीके का सीड है, एक तरह का बीज है जो आगे जाकर एक अच्छा पेड़ बन सकते हैं। आपको मुझे बताते हुए एक अच्छी खुशी होगी कि सिंगापुर में भी हमारे पास टोस्ट मास्टर क्लब है, वो भी हिंदी का। उसमें जो है इंडिया के भी कई सारे हिंदी के टोस्ट मास्टर क्लब्स हैं जिसको टोस्ट मास्टर ने रिकॉग्निशन दी है, और एवरी वीक एवरी एवरी सप्ताह वो लोग अपने अपने मतलब कभी गोष्ठी होती है, कोई एक टॉपिक लेते हैं उसके ऊपर बोलते हैं, जिसमें अलग अलग वर्ड के जो हिंदी टोस्ट मास्टर क्लब्स हैं उनके उनके लोग आकर अपने अपने बताते हैं कि क्या लिखा होना निकलेगा। तो हिंदी जहां भी हो कहीं भी हो हमारे साथ तो हमेशा रहेगी। और आज भी मुझे पता है कि चंदा मामा नंदन कहीं मिलती है तो मैं पढ़ने में सबसे पहले उसी को पढ़ता हूँ तो मैं आज भी उसको नहीं छोड़ता। तो मैं आज भी जब भी इंडिया जाता हूँ तो ढूंढता हूँ कि भाई लेटेस्ट चंदा मामा कहाँ मिल रही है और नंदन कहाँ मिल रही है या चाचा चौधरी हुआ। तो अभी मैंने तो उसका एक्चुअली ऑनलाइन कलेक्शन कर रखा है। तो इवन दो चंदा मामा तो आपकी पूरी जब से छपी है तब से आज तक इंटरनेट पे अवेलेबल है उनकी खुद की वेबसाइट की तरफ से, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी है और जैसे अंशु जी ने कहा हिंदी मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा तो है ही, एक्चुअल में हम लोगों को सबको जोड़ने में सबसे बड़ा काम करती है। बहुत खूब कहा गौरव तुमने और बड़ी खुशी हुई है जान के कि सिंगापुर में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को प्यार करते हैं और जुड़े हुए हैं हिंदी से। टोस्ट मास्टर अच्छी बड़ी संस्थान है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और ज्यादातर यंग लोग हैं उसके अंदर। मुझे जहाँ तक मुझे याद है 40 साल से कम के लोग ही उसमें पार्ट ले सकते हैं, तो बहुत खुशी हुई जान के। और मेरे ख्याल से यूएसए में भी, वर्जीनिया में और फिलाडेल्फिया में और मुझे न्यूयॉर्क के अंदर भी
एक और संस्था है बाल विहार करके, मुझे मेरी साली साहिबा हैं वो फिलाडेल्फिया में हैं, तो उनके बच्चों को जो हिंदी से जुड़ाव है वो सब उसके है कि हर हर संडे को वहाँ पे एक उनकी कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ लर्निंग्स हैं, और मुझे लगता है कि कुछ हवन वगैरह भी वो लोग करते हैं रेगुलरली, और काफी एक्टिविटीज होती हैं ऐसा मुझे सुना है, मैंने खुद नहीं देखा। अनूप जी बताएं उस बारे में। मैं उसके बारे में, गौरव जी धन्यवाद आपने सवाल उठाया। तो यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि एक तो जो हमारी जेनरेशन है जो कि एक लंबा समय भारत में बिताने के बाद यहाँ पर आए हैं, तो हम लोगों का तो जहाँ तक हिंदी के प्रेम का सवाल है और हिंदी के प्रति जो हमारा जो भी निष्ठा है हमारी, वो तो बन चुकी है एक तरह से, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अगली पीढ़ी है उसे हम लोग कैसे हिंदी में लेकर आए। तो यहाँ पर जो आपने संस्थाओं की बात की, तो यहाँ पर सेजल जी भी बता सकती हैं इसके बारे में, लेकिन बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि नई पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी जिनका जन्म यहाँ पर हुआ है, उन्हें हिंदी से जोड़ने के लिए, तो उसमें संडे स्कूल्स हुआ करते हैं अक्सर जहाँ पर उनको हिंदी पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी को आप संस्कृति से अलग करके नहीं देख सकते, तो ये आप संस्कृति संस्कृति से जुड़ने के लिए हिंदी से जुड़ना एक तरह से जरूरी सा हो जाता है। तो ये जो संस्थाएं हैं वो कुछ हद तक हिंदी की तो शिक्षा देती ही हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे भी जुड़ने में मदद करती हैं। तो बाल विहार का आपने नाम लिया, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा एक, लेकिन बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि युवा पीढ़ी को, जो कि जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है, उन्हें हिंदी से जुड़ने के प्रति कार्यरत हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इन संस्थाओं का तो योगदान है ही और उनकी जरूरत तो है ही, लेकिन उससे कहीं अधिक जरूरत है हम अभिभावकों की, कि हम बच्चों को कितनी हिंदी दे पाते हैं। केवल वो उनको संडे स्कूल में भेजने से काम नहीं हो जाएगा जब तक कि हम हिंदी को घर में नहीं बोलेंगे। जी जी, तो जी, मैं उस बात को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि आप बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय आप एक छोटे छोटे से गोल्स लेकर अगर आप चलें, कि जैसे हमने हमें अपने घर में 2 घंटे का समय हमें ऐसे रखना है कि जिसमें हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, अगर हम इतनी एक छोटी सी बात को अगर हम क्रियान्वित कर सकें तो मेरे ख्याल में बात बहुत दूर तक जाएगी। जी जी रूप जी, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितना प्रयत्न बाहर में रह के जो भारतीय हैं करते हैं अपने बच्चों को हिंदी से जोड़ने का, भारत में रह के हमारे यहाँ पे जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, बट मैं कहूंगा कि आगे वाली जो जनरेशन है वो प्रयास यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी भाषा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। ऑफकोर्स बहुत सारी जगह है जहाँ पे काफी अच्छा बोला जाता है, कुछ प्रदेश है जहाँ पे अच्छी हिंदी की बातचीत भी है और पढ़ाई भी है, बट बहुत सारी स्टेट भारत में भी ऐसी हैं जहाँ पे कि लोग हिंदी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उदासीनता है और कम ज्यादातर अंग्रेजी भाषा की तरफ। कोई किसी भाषा के लिए मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहते हैं कि हर भाषा अच्छी है और इंग्लिश तो वैसे भी वर्ल्ड की बिजनेस लैंग्वेज तो है, हो ही गई है, जो सब मानते हैं, पर यह है कि जो प्रयास मैं देखता हूँ NRIs के अंदर, जो भारतीय बाहर गए हुए हैं कि भारत की संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है कि भारत में रह के हम लोग अपने बच्चों को उतना ज्यादा नहीं जोड़ पा रहे हैं। वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भाषा और संस्कृति आपके चारों तरफ है, आपको कोई सजग प्रयास नहीं करना है भाषा से जुड़ने के लिए। लेकिन जब आप अपने देश से दूर आते हैं वहां पे ये सजग प्रयास जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो पूरी तरह से संस्कृति से जुड़े नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएंगे आपकी आने वाली पीढ़ी जो है। तो इसलिए ये जो कॉन्शियस एफर्ट जिसको मैं कहूंगा वो जरूरी है, और वो हो रहा है, लगभग हर देश में हो रहा है। आपने चाचा चौधरी की बात करी और चाचा चौधरी के प्रकाशक मनीष वर्मा जी हमें लाइव देख रहे हैं,
जॉइंड अस, तो मैंने उनको बोला है कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके प्रकाशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो काफी बड़ा परिवार है और वो सब अभी अभी भी चाचा चौधरी को कई तरीके से वो प्रकाशित करते हैं और नए नए तरीकों से ऑनलाइन वगैरह भी जैसे बोला कि अवेलेबल है जी। तो मनीष बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए और हमारे से जुड़ने के लिए। अंशु गौरव आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका हाथ ऊपर। हाँ, सो मैं एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता था कि सिंगापुर में जैसे अनूप जी ने कहा कि हम लोगों को भी करना चाहिए, मैं संदीप की बात से भी सहमत हूँ, अनूप जी की बात से भी सहमत हूँ कि मेरे बच्चे जब कभी भी इंडिया जाते हैं वो लोग हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं जी, और उनसे जो भी मिलता है वो अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता है। सो वो फिर आकर बाद में हमसे ये पूछते हैं कि भाई आप हमसे कहते हो कि इंडिया ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, यहाँ तो सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। उस समय हम लोगों को लिटरली यू नो बहुत हार्श होता है उनको जवाब देना। प्लस सिंगापुर में हम लोग करते क्या हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है अनूप जी, बाहर रहकर हम कोशिश करते हैं कि जो भी अपना कल्चर है जो भी है वो हम बता सकें। तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है यहाँ पर गीत प्रेस पर, यहाँ पर गीता की क्लासेस चलती हैं एवरी संडे एंड मेनी यू नो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग एंड जॉइनिंग दैट एवरी वीक। तो वो हर वीक जाते हैं गीता के करते हैं, इवन वो लोग हवन भी करते हैं वहां पर। हम लोग घर में क्या करते हैं कि हम लोग घर में जो अपना हमारा बेसिकली गायत्री मंत्र है उसका हम लोग हवन करते हैं। सो हम लोग बुलाते हैं उनको, वो आते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई क्या कल्चर है हमारा कैसा है, तो बच्चे भी साथ बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हवन करते हैं। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा आजकल हनुमान चालीसा सीख रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज जो मैंने इन लोगों में देखी, इन लोगों को से हम लोगों को जब हमारे पेरेंट्स कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ो तो हम पढ़ते थे, बट ये पढ़ने से पहले उसका मतलब जानना चाहते हैं। वो जो चीज है वो बहुत बढ़िया चीज है कि एटलीस्ट आप जो कर रहे हैं किसी भी धर्म के हो कुछ भी कर रहे हो आपको पता चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। तो वो चीज इस नई पीढ़ी में है एंड मेरे ख्याल में हिंदी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप देखो तो जर्मनी में संस्कृत जितने ही बोलते हैं वो इंडिया में नहीं बोलते। सो ये सारा तो चल ही रहा है, धीरे धीरे हम लोग लौट के आ रहे हैं, हम लोग अपने जो है वेस्टर्न साइड में जा रहे हैं, वेस्टर्न हमारे हमारी साइड में आ रहे हैं। सो दिस इज अ सर्किल इज गोइंग टू बी गो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जो नई पीढ़ी है वो कारण पहले ढूंढती है, ये गौरव बिल्कुल आपने सही बात कही कि क्यों होना चाहिए ये। हम उनको अगर ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हम पढ़ने बैठ जाते थे, और लेकिन वो कहते हैं पहले हमें कारण बताओ कि क्यों पढ़नी चाहिए। तो हमें कारण के साथ अब हमारी जो पीढ़ी है, हम बीच वाले लोग उस पीढ़ी में आ जाते हैं जो हमने बिना समझे काम कर लिए, लेकिन अब हमें जवाब देने पड़ रहे हैं तो हमारी परीक्षा वहां पर बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, भी जवाब ढूंढने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, मुझे एक शुरू में पढ़ना पड़ा वो देख के, मुझे एक किताब खरीद के लानी पड़ी, एक एक लाइन का मतलब समझना पड़ा, समझाना पड़ा, तब मुझे भी जाके पढ़ा पता लगा इतने साल पढ़ने के बाद की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा। तो बिल्कुल, मैं इस सेशन के बाद मैं आपसे एक मेरा ऑडियो है वो बिल्कुल साझा करूंगी, जिसमें की हनुमान चालीसा का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने कर दिया। Okay. मैं आपको बिल्कुल दूंगी। अनूप जी आपसे जानना चाहेंगे, आप तो कविताएं रचते भी हैं, तो किस तरह से कवि हृदय अपनी रचनाओं को उकेरता है पन्नों पे, क्या भाव मन में आते हैं तब रचनाएं बनती हैं? कविता की आपने बात की तो मैं एक पंक्ति में ये कहूंगा कि कविता के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कविता इज समथिंग दैट हैपेंस। तो जब होनी होती है तब अपने आप भाव निकल आते हैं, और हिंदी से जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रेम है तो बचपन से मैं लिखता आ रहा हूँ। मेरी पहली कविता जब मैं 11 बरस का था तब प्रकाशित हुई थी, तो मुझे अभी भी वो जो एक रोमांच की एक जो होती है जब 21 रुपए का मनी ऑर्डर आया था मेरे पास उस कविता को प्रकाशित होने के लिए, तो जो खुशी उस समय हुई थी वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो कविताएं मेरा बचपन से मेरा शौक रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने अमेरिका में कवि सम्मेलनों को जिंदा करने के लिए हमने कोशिश की है, तो लगभग भारत के जितने भी बड़े कवि हैं, गोपालदास नीरज जी से लेकर
सभी लोग हमारे यहाँ पे अमेरिका में हम लोग उनको आमंत्रित किया है, उनके कवि सम्मेलन हमने आयोजित किए हैं और कविताएं मैंने लिखी हैं। अगर आप बाद में जब भी आप कहेंगी मैं एक आध सुना सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप सुनाइए ना, हम सुनेंगे अभी। अच्छा चलिए, तो मैंने चलिए अभी सोच के तो नहीं रखी हैं लेकिन जो मेरे दिमाग में आ रही हैं तो मैंने, अच्छा हाँ चलिए वही बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग में गणित जो है मेरा प्रिय विषय रहा है और कविता मेरा, जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रेम है, तो मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जो कि मैंने अपने गणित के प्रेम और कविता के प्रेम को मिला जुला के लिखने के लिए। तो मैं जरा अपनी कुछ गणितीय कविताएं जिन्हें मैं कहता हूं एक आध मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। तो पहली कविता देखिए कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। और अब देखिए अगली पंक्ति में इसे किस तरह से समझाने की कोशिश की है लॉजिकल वे में, कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं, तुम्हारे इर्द गिर्द वृत्त की परिधि बन के रह गया हूं मैं। और एक ऐसे ही वृत्त पे एक मेरी एक और कविता है देखिए, कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं, मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं, मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया, मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए केंद्र पर आओगी। ये तो बिल्कुल आपने एक इंजीनियर की तरह कविता जी, मैंने यही थोड़ी सी कोशिश की है। अब मैं क्योंकि शुरू हुई है, मैं एक कविता और सुनाना चाहूंगा, वो मेरी फिजिक्स भौतिक शास्त्र से जुड़ी हुई है जी। तो वो देखिए छोटी सी कविता है, 2 मिनट लगेगा, कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं, तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं, अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं। कभी कभी हम शब्दों को इतना मीठा बना देते हैं कि वो अपना अर्थ खो बैठते हैं। तो तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं, अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं, तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है। बहुत खूब। और किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। भौतिक शास्त्र का नियम है कि द लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। तो किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है, शायद इसीलिए तुम्हारे आंखों से कहे बोल तुम्हारे शब्दों से पहले मेरी आंख की कोर तक पहुंच के ठहर जाते हैं, तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं, तुम्हारे शब्द मिलाने की आपस में कोशिश है। तो धन्यवाद, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान भाषा में आपने अपनी कविताएं कही और बहुत बहुत टच करा, मतलब सीधा हृदय में लगी है और अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। कोई गणित और भौतिक शास्त्र पे और मतलब फिजिक्स के ऊपर भी हम लोग उसमें भी प्रेम निकाल सकते हैं। जी जी, विज्ञान कविताएं। जी जी, 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 जी।
सृजन आपकी कविता हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अनुप जी आप लोग और गौरव जी आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी को आगे बढ़ाने का और हमारे जैसों तक लेकर आने का जो कि विदेश में रहे हैं जिनकी इतनी हिंदी से एक्सपोजर नहीं रही है। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सिंगापुर और इवन यहाँ तक कि न्यूयॉर्क एरिया में और न्यूजर्सी एरिया में कितनी कितना सारा काम हो रहा है। ये सुनकर मुझे लगा मैं तो इससे काफी दूर रही हूँ। शायद मेरे लिए हिंदी का जो प्रेम था जो बचपन में वो जो बीज पड़ा संस्कृति ये शब्द जो आपने यूज किया मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि शायद हिंदी से मुझे इसलिए लगाव है क्योंकि ये मेरी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है और इसी भाषा के तहत मैंने हमारी संस्कृति की जो चीजें जो मुझे प्यारी लगती हैं और जो मुझे वैल्यूबल लगती हैं वो मैंने इस भाषा के माध्यम से वो मेरे अंदर तक रह पाई इतने सालों तक और चाहते हुए भी मैं इसे छोड़ नहीं पाई। तो मेरे पर्सनल जो मेरा अनुभव है वो आप लोगों से काफी ऑपोजिट है क्योंकि जितना काम आपने किया उतना मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि ये जो भाषा मेरे अंदर है और जिसे मैं छोड़ नहीं सकती उसे मैं इंटेंशनली बनाए रखूं। कहीं ना कहीं अगर मैं किसी से वार्तालाप नहीं कर सकती तो मैं कुछ लिख लूं या फिर कुछ हिंदी में पढ़ लूं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अगर हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं और हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि आपने कहा गौरव जी की हिंदी की क्लासेस हैं या ये हवन करते हैं ये सब तो उस रिसोर्सेस से बात आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली स्वाभाविक तरह से खुद ही को मैंने के क्या कहें इसको हिंदी में मेरी हिंदी वार्तालाप बहुत कम होती है लेकिन फैन देना हवा देना अगर उसको हम अपने हिंदी के प्रेम को हवा दें और बनाए रखें तो बहुत आई थिंक सालों साल तक वो आपके साथ रहता है। और एक समय ऐसा भी आया जब मेरे घर में मैं ही एक हिंदी भाषी हूँ। मेरे पति हिंदी नहीं बोलते मेरे बच्चे भी हिंदी नहीं बोलते और मेरे इन-लॉज जो हैं वो हिंदी में बोलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं और हम मल्टीलिंगुअल फैमिली हैं। तो इसमें मुझे लगा कि अगर मैं इसको आगे नहीं लेके जा सकती तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकती हूँ कि मैं खुद की हिंदी बनाए रखूँ और खुद का प्रेम बनाए रखूँ। और कई बार ऐसा होता है मुझे लगता है कि भाषा जो है वो आगे इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं देते हम कॉन्स्टेंट एफर्ट उसको दिया करते हैं और अगर हम ये दिया जलाए रखें तो इससे हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं रोशनी मिलती रहेगी। तो ये मेरी पर्सनल एफर्ट इस तरह से है पर ये सुनकर बहुत मुझे अच्छा लगा। हिंदी से मेरी पहचान बढ़ी भी क्योंकि आध्यात्मिक जो प्रवचन होते हैं और आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से हिंदी की मेरी पहचान बढ़ी और अमेरिका में मैं इस तरह से संडे को प्रवचन सुनने के लिए जाती हूँ तो वहां जो मुझे आध्यात्मिक हिंदी मिली और ये प्रवचन मुझे उसी तरह से शायद इसीलिए मैं हिंदी लिख ज्यादा अच्छा लेती हूँ वर्सेस की बोल सकती हूँ। तो जो कविताएं शायद अंशु जी आपने पढ़ी थी और आपको पसंद आई कई बार मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारा शब्दकोश कहाँ से ये शब्द ढूंढ के लाती हूँ तो पता नहीं शायद मैंने ये सुने हैं सालों साल प्रवचनों में सुने हैं या गीतामृतम पढ़ने पर कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर रह गए। और जब भावनाएं ऐसे आती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं हिंदी लिखने के लिए नहीं बैठती हूँ वो आती है और मैं सिर्फ उसे पन्नों पे प्रस्तुत कर देती हूँ। तो इसी तरह से एक कविता मैंने लिखी जो मेरे लिए खासकर मेरा अनुभव होती है या मैं जीवन में कहाँ हूँ या फिर एक बोध होता है उसको मैं पन्नों पे उतार देती हूँ। तो मैं जा रही थी रास्ते में हाईवे पर
चार घंटे दूर और ये नया सा चांद, बीज का चांद लगा हुआ था, और इस पर एक कविता मैंने लिखी है। क्षितिज पर तैरता हुआ वह नवचंद्र मुझ पर ऐसे प्रभावी हो रहा है, मानो कह रहा हो कि जीवन का एक और चरण संपूर्ण हो चुका है, अब फिर नूतन पक्ष में उदय हो तुम। शुक्ल की दूज की तरह आज तुम भी मेरी तरह एक अलग सी रेखा हो, माना कि सिर्फ एक चमकते सितारे का साथ है आज, मगर तुम खुद पर भरोसा रखना, इस कला में तुम नित्य निखरना, वर्धमान की ऊंचाई पर पूनम का चांद बनना, फिर कृष्णा कहलाना, और बलवान समय की गतिमान प्रकृति को नतमस्तक हो, अंधकार भी सहना, मगर याद रखना तुम बीती अवधि का चंद्रमा नहीं हो, वह ढल चुका है, तुम नूतन हो इस समय के लिए, जीवन के इस पक्ष के लिए। तो ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेजल, तेजल के जब काम को देखती हूँ और इनकी बातचीत के लहजे को देखती हूँ तो मैं भी अचंभित होती हूँ कि ये जो हिंदी लिखती हैं, ये शब्द कोश कहाँ से लाती हैं। अच्छा, सही बात यही है कि वैसे तो मेरे हिसाब से बोल भी बहुत अच्छा ही रही है, लेकिन हाँ जो लिखावट है उसमें जो वोकैबुलरी यूज करी है, जो शब्द कोश यूज किया है, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गुड़ है। तो सही बात वही है जो हम बात कर रहे थे पहले भी, कि जब हमें मौका मिलता है निरंतर और लगातार बात करने का अपनी भाषा में, तो कहीं ना कहीं भाषा में सुधार होता है, जो स्पोकन लैंग्वेज है, जो बोलने वाली भाषा है, उसका सुधार होता है। और जब वो नहीं मिलता, जैसे कि सेजल जी बता रही हैं कि उनका परिवार गुजराती परिवार है, इंग्लिश गुजराती वो लोग बोलते हैं और ज्यादा वो हिंदी नहीं बोल पाती लोगों से, तो कहीं ना कहीं वो वही कारण है। अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शब्दकोश है सेजल तुम्हारे पास, और बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छी कविता और बहुत ही साफ सुथरी कविता। तो गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां तक मुझे पता है आप कविता तो नहीं लिखते, लेकिन लेकिन हाँ मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप सिंगापुर में आप लोगों की जब फैमिलीज आपस में मिलती हैं और जो भारतीय लोग मिलते हैं, तो तब क्या सब लोग घुल मिल के अच्छे से अपनी भाषा में बात होती है, या लोग ज्यादा अभी भी इंग्लिश प्रेफर करते हैं भाषा की तरह? नहीं संदीप जी, यहाँ पर सिंगापुर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। सो हम लोग यहाँ पर क्रिसमस भी मनाते हैं, हम लोग यहाँ पर दीपावली भी साथ मनाते हैं, हम लोग यहाँ पर होली भी मनाते हैं साथ में। तो हम लोग सब साथ में मिलते हैं, जब हमारे दोस्त मिलते हैं वो नॉर्थ के हों या साउथ के हों, तो हम लोग सब, ऐसा कोई भाषा की बंदिश नहीं होती। तो हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं और बहुत ज्यादा हिंदी में बात करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये एक हमारे देश की भाषा है जो हमें अपने आप से जोड़े रखती है। तो नॉर्थ इंडिया के काफी लोग हैं, साउथ इंडिया के काफी लोग हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां पर बहुत, वहां पर करीब 50-60 फैमिलीज हैं, प्लस और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, तो हम सब मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं। लेकिन अब इंग्लिश इतनी ज्यादा घुल मिल गई है कि हम उसको निकाल नहीं पाते, निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी क्या है कि हम लोग बात करते हैं, लेकिन मेनली बच्चे तो अभी इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन हम जब बड़े मिलते हैं तो सब हिंदी में ही बात करते हैं हम लोग। इवन दो यहाँ पर हिंदी के सारे टीवीज आते हैं, सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो हम लोग हिंदी की पिक्चर भी साथ ही मिलजुल के, एक साथ ही, मतलब पूरे पूरे 150 लोग एक साथ पिक्चर देखने जाते हैं। तो हिंदी का तो यहाँ पर अच्छा, सबसे बड़ा फायदा वही है कि मल्टी कल्चरल है, मल्टी रेशियल है, तो बच्चों को भी सीखने के लिए मिलता है कि भाई इस धर्म में कैसे करते हैं। जब रमजान होते हैं तो पानी, उनके दोस्त पानी नहीं पीते, तो मेरा बेटा क्या कहता है कि मैं भी पानी नहीं पीऊंगा आज, क्योंकि मेरे दोस्त ने पूरे दिन पानी नहीं पिया, आप मुझे खाना मत दो, पानी की बोतल मत दो, तो वो अच्छा लगता है सुन के। हम लोग चर्च भी जाते हैं और हम लोग अपने जो है मंदिर भी जाते हैं, इवन दो एक दो बार मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे लेकर जाती है, वहां बताती है कि भाई क्या है, कैसे है, क्या। तो एक छोटी सोसाइटी है तो सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हाँ हिंदी तो हम लोग बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं यहाँ पर,
इसलिए कभी लगता नहीं कि हम अपने देश से बाहर हैं, दूर हैं। ये भी एक सबसे बढ़िया वो है कि यहाँ सिंगापुर में रहने का काफी लोग हैं, उसका भी कारण ये है कि जो सिंगापुर में हैं पूरे उसमें काफी सारे लोग हैं भारत देश से, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग, जैसे कि अगर आप कनाडा में जाएं और टोरंटो में जाएं तो टोरंटो में जाके आपको कभी नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर आए हैं। ठीक है वातावरण ठंडक वो सब ज्यादा है, पर बाहर गया था पीछे, मेरे मित्र रहते हैं तो बाहर जैसे चूल्हा लगा हुआ था, लोग बाहर बैठे हुए थे और खाना वाना भी सब सब तरह का मिलता है भारतीय खाना, और अच्छे से मिलता है, मिलता तो हर जगह है। आई थिंक पूरे यूएसए में हर जगह भारतीय खाना तो उपलब्ध है, हर हर तरीके से उपलब्ध है, समोसे भी मिलते हैं शाम को। नहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं जैसे 5 साल थाईलैंड में था तो थाईलैंड में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहां पर सिर्फ वो थाई बोलते थे। तो वही है मेरा भी मतलब सजेशन एक गवर्नमेंट से इससे कि जब और छोटे देश जो छोटे हैं या बड़े हैं वो अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं, वो अपनी भाषा को फोर्स कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जबकि हम लोग आज की तारीख में थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप फ्रांस में जाइए, फ्रांस में वहां पर इंग्लिश जानते हैं, यूके के जस्ट बराबर में है, बट इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते वो लोग। आप जर्मनी में जाइए, जर्मनी बोलते हैं, थाई में जाइए, मलेशिया में जाइए, थाई इंडोनेशिया में जाइए, वो इंग्लिश बोलते हैं एज अ सेकेंडरी, बट पहले वो थाई में अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। तो हिंदी कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम सभी लोगों को मिलके एक साथ इसको आगे ले जाना है, और जो ये छोटे छोटे प्रयास हैं ये प्रयास सराहनीय है और ये रियली बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। गौरव मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, बट हाँ भारत की जो गवर्नमेंट है उसने भी प्रयास किए हैं, जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें शुरू की कुछ क्लासेस में हिंदी को मैंडेटरी किया गया है, पूरे पूरे राष्ट्र में नहीं बट हाँ काफी जगह पे। और मेरा मानना यह है कि भाषा को आप बढ़ावा दे सकते हैं, भाषा को मेरे को लगता है थोपना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जरूरी है। फ्रांस में जैसे मैं जब मुझे याद है जब मैं गया था तो आप सही कहते हो कि खासकर जो बड़े लोग थे उनको, उनसे अगर हम कुछ पूछते थे तो वो जवाब नहीं देते थे, जो यंग लोग थे उनसे आप बात करें तो वो जवाब देते थे। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना जरूरी है कि अगर आपको भाषा पता है और कोई आपसे उस भाषा में बात कर रहा है, अगर मैं मुझे हिंदी पता है मैं आपसे हिंदी में बात करूं और आप मुझसे अंग्रेजी में बात करें तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। और उसी तरीके से अगर कहीं जाएं जैसे जर्मनी में जाएं अगर आप भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है हर भाषा के लिए, बट हाँ अपनी भाषा से जुड़े रहना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है इस विषय में। बिल्कुल, और महात्मा गांधी का जो विचार था वो ये विचार था कि हिंदी भाषा को तो प्राथमिकता देनी ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ शब्द दूसरी भाषा के उसमें सहजता से घुल मिल जाते हैं तो उन्हें घुलने मिलने देना चाहिए, ऐसा उनकी विचारधारा थी। क्योंकि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो कई शब्द अंग्रेजी के ऑटोमेटिकली, जैसे अभी ये भी आ गया, उसमें मिल जाता है, जैसे ट्रेन हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, मैनेजमेंट हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के साथ बहुत सहजता से आ जाते हैं और कोई भी उन्हें समझ भी लेता है। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो हमें देश दुनिया में अलग अलग लोगों से बहुत जल्दी बहुत सहजता से कनेक्ट कर देते हैं। तो अनुप जी, आप जैसे देश और दुनिया के जो सम्मेलन होते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलनों की मैं अगर बात करूं, भोपाल में भी आपने आए हैं, आप यहाँ पर भी, और न्यूयॉर्क में भी आपने भागीदारी निभाई है, मॉरिशस में आपकी यात्रा रही है, तो इन सम्मेलनों में जो हिंदी के मंच पर बात उठती है हिंदी के लिए, उसका क्या सार आप सामने लेकर आ सकते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अंशु जी। तो यहाँ पे मैं पहली बात जो कहना चाहूंगा कि ये सम्मेलनों की जरूरत ही क्या है, एक सवाल उठता है, तो पहले हम उस पर बात करें। तो कहा जाता है, जैसे अभी आज हिंदी विश्व हिंदी दिवस है, तो कहा जाता है कि एक दिवस ही क्यों मनाया जाए, हिंदी का उत्सव तो हर रोज होना चाहिए, हिंदी का प्रयोग तो हर रोज होना चाहिए। तो इसमें मैं मानता हूं कि ये बात सही है, लेकिन इसका दूसरा दृष्टिकोण ये है कि अगर हम दिवाली है, जैसे दिवाली और दशहरा, दशहरा है जैसे मैंने कहा,
कि दशहरा असत्य पे सत्य की विजय है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसे हर साल मनाते हैं क्योंकि एक इन बातों को भी एक उत्सव की तरह मनाना जरूरी है। अगर आप हिंदी की बात सिर्फ विश्व हिंदी सम्मेलन के समय ही सोचते हैं तो कुछ गलती है, क्योंकि सम्मेलनों की सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगती है कि एक ही स्थान पर इतने अधिक लोगों से जो कि आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं उनसे वहां पे मिलना हो जाता है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि आप अपने विचारों के लोगों से मिलें। और मेरे विषय में तो ये रहा है कि बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं इन सम्मेलनों में और उनसे बातचीत होती है तो कई नई योजनाओं को जन्म मिलता है। तो हमें इन सम्मेलनों को, विश्व हिंदी दिवस को एक रचनात्मक रूप में लेना चाहिए कि सिर्फ हम हिंदी का उत्सव उस समय नहीं बनाएं बल्कि ये हमें एक तरह की ऊर्जा प्रदान करें और वो ऊर्जा हमें अगले सम्मेलन तक लेकर जाए। यदि हम सम्मेलनों को इस तरह से ले रहे हैं तो इन सम्मेलनों की सार्थकता है, वरना अगर ये केवल एक जिसको बोलना चाहिए एक विदेश यात्रा के रूप में अगर आप लें कि मुझे मॉरिशस जाने का अवसर मिल रहा है तो निश्चित रूप से कुछ यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल सेजल, आप कुछ कहना चाहेंगी और या फिर आप अपनी रचना हमें सुनाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ मैं पार्टिसिपेट हो सकती ऐसे सम्मेलनों में या कहीं ना कहीं ऐसी सोसाइटी में जहाँ की मेरे जैसे मुझे लगता है बहुत से लोग हैं अमेरिका में जो कि आए हैं और शायद उनकी हिंदी भी छूटती जा रही है, इतनी वो उनको उसको पकड़ कर रख नहीं पा रहे हैं जिस तरह से वो रखना चाहेंगे या इतनी एक्सपोजर नहीं हो पा रही है। तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं इनको अगर कहीं ना कहीं, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है आपका हिंदी मेरा प्यार, तो जरूरी नहीं आप कि आप हिंदी में बिल्कुल परांगत हो, लेकिन अगर आपको हिंदी से प्यार है तो वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो जाती है आपकी और फिर वहां से चीजें आगे बढ़ती हैं और आप कुछ थोड़ा सा करने लगते हो या थोड़ा सा लिखने लगते हो या फिर आपको ऐसा ज्ञात होने लगता है कि नहीं मैं ठीक से कर सकती हूँ या फिर मैं ठीक से बोल सकती हूँ या फिर मैं कुछ लिख सकती हूँ और उसको एक चिंगारी मिलती है और उससे आगे बातें बढ़ती हैं। तो मेरे लिए आपसे मिलना या इस प्लेटफॉर्म पर होना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जैसे अनूप जी आप एक सम्मेलन में हो या किसी और वहां पर हिंदी की एक्सपोजर इतनी सारी हो। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो अगर हर जगह पे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं या छोटे ग्रासरूट्स एफर्ट्स होते हैं तो भी इसके लिए काम बहुत बढ़ता है। कई बार मुझे लगता है कि अलग अलग समय पर कोई ना कोई ऐसा आया मेरे जिंदगी में जिसने इस प्रेम को बढ़ावा दिया और कायम रखा, तो इसके कारण अभी तक ये छूटा नहीं और अब मेरे बच्चे कहते हैं कि मुझे भी सीखनी है हिंदी, आप मुझे सिखाओ। तो उनको भी पसंद आता है, लगता है कि माम हिंदी में कह रही है। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर स्कूल में आपको फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं एज ए करिकुलम, तो लोग फ्रेंच चूज करते हैं या स्पेनिश चूज करते हैं या लैटिन चूज करते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर करनी है, अगर मुझे भी करनी है उनके साथ साथ उनको पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए, तो क्यों ना मैं हिंदी में ही ज्यादा ध्यान दूं, ज्यादा फोकस दूं, क्यों ना मैं उसी को सुधारूं, क्योंकि अगर मैं नहीं रखती ये हिंदी तो शायद नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये एफर्ट आई थिंक इसके बारे में अगर बातें होती है तो लोगों को अवेयरनेस इसके आती है और दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन एक कविता जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो ये कविता मैंने लिखी क्योंकि एक बार मैं एक लाइन में थी रेस्टोरेंट में और कई सारी कविताएं ऐसी होती है कि आपके अनुभव जो होते हैं, दिन में कुछ किया हो और अचानक उस अनुभव से आप प्रेरित हुए और आपने उसको उतार दी। तो मैं लाइन में खड़ी थी रेस्टोरेंट में और एक व्यक्ति मुझे मिले वहां पे और मेरा सन बच्चा मेरे साथ था और
बस यूं ही बातें हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे बातें करने पर। तो यूं लगा कि आजकल की जो मैकेनिकल दुनिया है और वो कितनी इसमें सहज से सहजता से किसी से बात करना और उसका जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी जिसको मैं पढ़ रही हूँ अभी। कभी यूं ही जिंदगी में अनजाने ही अचानक से दो पल की मुलाकात दिनों तक प्रभाव छोड़ जाती है। दोपहर की चाय पर खुद को अनायास मुस्कुराते हुए पाना, कभी रोटी के आटे में मुलाकात की छलक का उभर आना, एक वास्तविक प्रसन्नता का अनुमान होना, प्रफुल्लित मन अंतर आनंदमय अंतर स्थिरता की अनुभूति भेंट का भेंट सा लगना, कुछ मुलाकातें जीवन की पुनरावृत्ति गति में ताजगी छोड़ जाती है, साथ ही एक एहसास कि इस यंत्रवत जीवन में कहीं चेतना प्रज्वलित है कि मैं जिंदा हूं अब भी। तो ये कविता मैंने उस वक्त लिखी क्योंकि मुझे लगा वाह, एक कॉन्वर्सेशन किसी के साथ होती है, चाहे आप हिंदी भाषी हो तो उसमें ज्यादा प्रेम लगता है और अगर ना हो तो भी कितना महत्वपूर्ण है किसी से वार्तालाप करना सहज तरह से। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता जी। अनुप जी, चलते चलते एक रचना हम सुनना चाहेंगे और फिर उसके बाद हम अपने आज के कार्यक्रम के कंक्लूडिंग नोट पे आएंगे, तो आपकी रचना का स्वागत। चलिए एक मुक्तक मैं सुनाता हूँ आपको अभी, आई होप मुझे याद हो। तो देखिए, अर्ज किया है कि प्रीति की अनुभूति को, प्रीति की अनुभूति को तुम एक नया अनुवाद दे दो, प्रीति की अनुभूति को तुम एक नया अनुवाद दे दो, जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो। प्रीति की अनुभूति को तुम एक नया अनुवाद दे दो, जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो। मन शिथिल सा हो गया है, चाह की सीमा नहीं है। मन शिथिल सा हो गया है, चाह की सीमा नहीं है, तैरते सपनों को मेरे एक नया उन्माद दे दो। तैरते सपनों को मेरे एक नया उन्माद दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के? हाँ, बहुत बहुत यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि अलग अलग शहर से आप लोग जुड़े हमारे साथ और हम लोग सब मिलके ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं आपकी बात को जरूर मानता हूं अनूप जी की, जैसे बोलते हैं कि मॉम्स डे डैड्स डे, और हम हमेशा बोलते हैं कि मॉम्स डे तो पूरे 365 दिन ही होता है, तो उसी तरह से हिंदी हिंदी का प्यार और हिंदी की भाषा से लगाव तो हर समय ही होता है, पर हाँ कभी कभी याद दिलाना अपने मन को बहुत जरूरी है कि ये भाषा है जो, क्योंकि भारतीय पूरे विश्व में है तो कहीं ना कहीं हर हर क्षेत्र में हर देश में भी ये भाषा बोली जाती है और कहीं ना कहीं ये हमें अच्छे अनुभूति मिलती है। जैसे आप बोला कि लोग मिलते हैं जहां भी आप जाएं, जहां भी आप भ्रमण करें, ट्रैवल करें, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, घूमने के लिए हो, आपको भारतीय मिलते हैं और भारत की ये भाषा हमें जोड़े रखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सेजल, आपके लिए यही सुझाव है कि अपने बच्चों को हिंदी में डांटना शुरू कीजिए, तो आपकी हिंदी जरूर समझ जाएंगे, जरूर जानना चाहेंगे कि क्या मम्मी बोल रही हैं, तो वो हिंदी भाषा में अपना ज्ञान जरूर बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बहुत ही अच्छा लगा। सेजल, आपकी भाषा जरूर से बहुत खूब भाषा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो भी इंग्लिश भाषा है, जहाँ की हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण है, और बहुत सारे लोग, मतलब मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, मैं बहुत ही गुड़ हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है हिंदी में वार्तालाप करना, बात करना। तो आपको देख के और आपकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी अच्छी गुड़ हिंदी आप लिखती हैं, और कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि आप और ऐसे, अभी आजकल ऑनलाइन में तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो अगर आप हिस्सा लेती रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो जो एक वार्तालाप में जो आपको समंजस है वो भी इकट्ठा हो जाएगा और आप
और अच्छे फ्लुएंटली हिंदी बोल, वैसे आप अभी भी बहुत अच्छे हैं, बट हाँ जैसे अंशु जी ने कहा कि दोनों के बीच में शब्दों का ही फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से जो भी कहना चाहें हमारे दर्शकों को, और ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी जानकारी में जो भी लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं तो उनको कहिएगा कि ये मंच उनका है और वो हमसे जुड़ सकते हैं, ऐसे हम वार्तालाप फेसबुक लाइव हम करते रहते हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं जब भी चाहें, वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, उम्र की कोई सीमा नहीं है, हिंदी से प्यार ही सिर्फ एक बंधन है, एक धागा है जिससे हम सब जुड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी इसको आगे बढ़ाएं, हमारी मदद करें, और जो भी लोग जहां से भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके मित्र आपके व्यवसाय में लोग और हिंदी को प्यार करते हैं या हिंदी की तरफ उनका रुझान है, तो उनको बोलिए वो हमारे साथ जुड़े, और कोई वीडियो कुछ लिखा हुआ उनका हमारे साथ वार्तालाप करना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंशु, मुझे लगता है अपने गेस्ट लोगों से एक एक बार हम सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, और उसके बाद अंशु आप समापन करें। तो सेजल आपसे शुरू करेंगे। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने हिंदी के प्रेम को बढ़ाए रखें या बनाए रखें, और कुछ ना कुछ जरूर करें कि आप इसकी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में करें, या तो वार्तालाप से हो या कुछ शब्द आपने लिखे हो। इस पर चिंता ना करें कि ये इतनी अच्छी है, क्या ये पोएम बन सकती है या लोग क्या कहेंगे। बस इस प्रेम को बढ़ावा दीजिए और कायम रखिए और देखिए कि कहाँ तक जाते हैं। मैं धीरे धीरे, मुझे भी लगता है कि वाह मैं भी कर पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे खुद को प्रोत्साहन भी मिलता है। सो जरूर, बहुत अच्छी बात कही सेजल आपने, और ये बात हम बहुत लोगों को बोलते हैं, बल्कि व्यवसाय में भी लोगों को बोलता हूँ कि जो आप व्यवसाय करते हैं उसके बारे में लिखें कि आप उसमें क्या जानते हैं, जो आपकी नॉलेज है, जो आप नई चीजें सीखते हैं पढ़ते हैं जानते हैं, तो लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लिखना, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या कुछ भी हो, अपने विचारों को अपनी कलम से लिखना बहुत जरूरी है। तो गौरव, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोशिश अपने घर से ही कीजिए, अपने घर में ही पहले हिंदी बोलना चालू कीजिए, थोड़ा सा घर से आप बाहर निकलेंगे, फिर अपने दोस्तों से चालू करिए, धीरे धीरे ऐसे जैसे आप करते जाएंगे तो एक बड़ा सा परिवार बनता चला जाएगा जहां पर आप आराम से फ्रीली अपनी भाषा को आगे ले जा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस मंच को स्टार्ट करने के लिए। धन्यवाद गौरव, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपके विचार जान के। अनूप जी। हाँ संदीप जी, तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय हिंदी को प्रयोग में लाना शुरू कीजिए, वही हिंदी के लिए सबसे बड़ा इसको बोलना चाहिए आप कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे। और छोटे छोटे से गोल रखिए कि जैसा मैंने कहा कि दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा आप तय कर लीजिए कि पूरे घर में आप सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे, तो उससे जो फायदा होगा वो कहीं ज्यादा होगा। और हिंदी, दूसरी बात, हाँ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी जरूरी है क्योंकि वही हमें हमारे हमें जड़ें प्रदान करती है। जब हम देश से बाहर हैं तो हमें एक जड़ों की जरूरत है, और वो हिंदी ही माध्यम हो सकती है उसका। और हिंदी सिर्फ भाषा के रूप में नहीं, हिंदी हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बिना भाषा के संस्कृति से नहीं जुड़ सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपका। अंशु। बिल्कुल, आप सभी की बातों में सिर्फ जो एक चीज कॉमन है वो है हिंदी का प्रेम, और सिर्फ हमें हिंदी से प्यार करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। क्योंकि जब हम प्यार करते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, तब हम छोटी छोटी बातों से लेके बड़े बड़े ऐसे असाधारण काम तक कर जाते हैं उस प्यार के लिए कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम क्या कर गुजरे हैं। तो सेजल, आपकी खिड़की से जो धूप आ रही है उसको देखकर मेरी कुछ पंक्तियां निकल कर आई है जो मैं समर्पित करती हूँ आज के इस मंच को, कि वैसा ही सूरज है, वैसा ही चांद है, वैसी ही धूप है तेरे परदेश में भी, लेकिन कुछ तो ऐसा है
जो मेरे देश जैसा नहीं है, और शायद वो है मेरी हिंदी भाषा। तो आज आज के इस विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और सब धन्यवाद भी देती हूँ कि समय निकालकर आज हमने जो ये चर्चा करी है, निसंदेह एक सार्थक चर्चा के रूप में हम सभी के सामने आएगी, और सुनने वाले जो दर्शकों सुन रहे हैं और बहुत सारे मैसेज भी हमें मिल रहे हैं, तो उन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना समय हमें दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।